नमस्ते दोस्तों, मैं सुधीर ठाकरे ठाकरे का रेसिस से। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और काफ़ी स्किल टेक्नीशियन होंगे। लेकिन ये वीडियो एक्चुअली मैंने जो टेक्नीशियन जो नए नए हैं जिनको एसी का पूरा नॉलेज नहीं या फिर किसी के पास सीख रहे उनके लिए काफ़ी काम का है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक कार एसी सिस्टम का डायग्राम के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा। कार एसी में मेन पार्ट जो होते हैं, एक नंबर तो कॉम्प्रेसर जो ये है, सेकंड होता है कंडेंसर, तीसरा होता है रिसीवर ड्रायर, चौथा होता है एक्सपांशन वाल्व और पांचवा होता है कूलिंग कॉइल और छठवा होता है पाइपिंग जो इसमें लगी होती है, वो भी काफ़ी मेन पार्ट एसी का होता है। अगर कुछ भी गैस लीकेज होता था तो पाइप में से लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपन पहले सीखेंगे कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर होता है इंजन ड्राइव। क्या होता है? इंजन ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव बोलते हैं, जो इंजन के साथ बेल्ट से चलता है। क्या होता है? इंजन ड्राइव। और ये होता है वेपर कॉम्प्रेसर। क्या होता है? एक मिनट, यहाँ नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। वेपर कॉम्प्रेसर होता है, लिक्विड कॉम्प्रेसर नहीं होता है। कार एसी में से वेपर कॉम्प्रेसर रहता है, वेपर कॉम्प्रेसर होता है। और ये अपना कार एसी का जितना भी सिस्टम चलता है, कंडेंसर फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, कॉम्प्रेसर, ये सब 12 होल्ट पे चलता है। हाँ, अभी अपन कम टू द मेन पॉइंट। कॉम्प्रेसर में दो पोर्ट होते हैं, एक सक्शन पोर्ट होता है, एक डिस्चार्ज होता है। सक्शन पोर्ट ये होता है, सक्शन पोर्ट, और ये होता है डिस्चार्ज पोर्ट। डिस्चार्ज पोर्ट, सक्शन पोर्ट क्या करता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस यहाँ से आती है पोर्ट से। कॉम्प्रेसर क्या करता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, कौन सी? लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, कौन सी? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को डिलीवर करता है। कार एसी सिस्टम में कॉम्प्रेसर का सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन होता नहीं है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस डिस्चार्ज पाइप के थ्रू, कौन से पाइप के थ्रू? डिस्चार्ज पाइप के द्वारा कंडेंसर को आ जाती है। कंडेंसर में क्या होता है? यह पाइपलाइन होती है एसी। ये पाइप पे फिन्स लगी रहती है जो हीट एक्सचेंजर का काम करती है। क्या करती है? हीट एक्सचेंजर का काम करती है। ये काफी पतली होती है। पाइप के अंदर की गर्माहट हीट ये फिन्स में आ जाती है और फिन्स को ठंडा करने के लिए इस पर कंडेंसर फैन लगा होता है। कंडेंसर फैन के द्वारा ये ठंडा होने के बाद इसका सिर्फ गैस का रूपांतर लिक्विड में होता है। क्या होता है? काय में होता है? लिक्विड में होता है। यहाँ से जब आती है तो गैस वेपर में रहती है। काय में रहती है? वेपर में रहती है। और कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसेशन करता है। कंडेंसेशन करता है, कंडेंसेशन मीन्स प्रेशर उतना ही रहेगा, सिर्फ वेपर को कन्वर्ट काय में करेगा? लिक्विड में करेगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आउटलेट में से ये अपना पाइप, ये लिक्विड पाइप जाएगा अपना आरडी बॉटल में। एक आरडी बॉटल इनलेट रहेगा, एक आउटलेट रहेगा। आरडी बॉटल में सिलिका जेल के पॉइंट्स होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं और फिल्टर होती है, फिल्टर प्लस मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट दोनों का काम करती है। यहाँ से गैस आने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगी और ये जाएगी आपकी एक्सपेंशन वाल्व, कूलिंग कॉइल के एक्सपेंशन वाल्व के पॉइंट में। यहां तक जाएगी, यहां पे आपका गैस अभी तक हाई प्रेशर ही है, इतना ध्यान में रखिए। इसलिए कंपनी क्या करती है? हाई प्रेशर पोर्ट हमेशा एक तो डिस्चार्ज पाइप पे दे देगी या फिर ये लिक्विड पाइप पे देगी या फिर ये लिक्विड पाइप पे देगी। वो कंपनी का लुकआउट है, अपना नहीं। यहां से गैस आपकी यहां आने के बाद एक्सपांशन में, एक्सपांशन बारीक होल होता है जो वेरिएबल होता है पीछे साइड से, ऑटोमेटिक टेम्परेचर प्रेशर पे उसका फ्लो एडजस्ट होता रहता है। यहाँ से आपकी गैस यहाँ स्प्रे होगी। जैसा ही स्प्रे हो जाएगी तो ये गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जैसा ही स्प्रे हो जाएगी तो इसका प्रेशर लो हो गया। लो होती गैस की प्रॉपर्टी है कि उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। डाउन कितना होगा? तो R134 गैस ए का बॉइलिंग BOILING बॉइलिंग टेम्परेचर -26 डिग्री नियर अबाउट है, नियर अबाउट।
तो ये गैस यहाँ ठंडी होने के बाद ये ऐसी सर्कुलेट होगी और ये यहाँ से आउट हो जाएगी। जैसा ही यहाँ पे गैस लो हो जाएगा तो इसका कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर लो हो जाएगा। ये लो टेम्परेचर का जो सिस्टम बना है इसको ऊपर एक ब्लोअर लगा रहता है। ये ब्लोअर क्या करेगा, यहाँ से हवा पास करेगा। ये हवा पास कहाँ होगी, कैबिन में होगी। तो ये जो हवा जाएगी ये चिल्ड एयर जाएगी। यहाँ से चिल्ड एयर अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिकली कूलिंग कॉइल में की गैस गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण यहाँ पे इसका जैसी गैस बाहर आएगी तो इसका टेम्परेचर प्लस में रहेगा। सीधा सीधा गणित है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जब गैस अंदर आ रही कूलिंग कॉइल में तो इसका टेम्परेचर माइनस में रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ऐसी बाहर आती है इसका प्लस में रहेगा। तो ये प्लस जब गैस बाहर आएगी तो इसका लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस है यहाँ से जो आ रही सक्शन में से। ये सक्शन पाइप कहाँ जाएगा, आपके कॉम्प सिस्टम के कॉम्प्रेसर को जाने वाले पाइप को अटैच हो जाएगा। यानी गैस यहाँ से सर्कुलेट होकर यहाँ से कहाँ जाएगी, कॉम्प्रेसर को जाएगी। ये साइकिल अपना कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसा, जिससे जिसके कारण से अपने कैबिन में टेम्परेचर लो बनते रहेगा। टेम्परेचर कैसा बनेगा, लो बनेगा। यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। यही कारण से ये कार एसी के सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार एसी सिस्टम साइकिल भी बोलते हैं। कार एसी साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है, कंटिन्यू चलते रहेगी, इसी कारण से इसको रेफरेंस साइकिल बोले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो आप 2-3 या 4 बार कंटिन्यू रिपीट स्टडी करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद का जो बोर्ड वीडियो रहेगा वो स्पेशली मैं कूलिंग कॉइल या फिर कंडेंसर पे बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पार्ट समझ गया होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है कंडेंसर का कूलिंग कॉइल का, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।